हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 3 ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में अपना 8 से 10 मार्क्स रिस्क पे लेके जाते हैं। और अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो आपको लगेगा नहीं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रखा है, बट बहुत से क्वेश्चन में इस चैप्टर के पॉइंट्स का रेफरेंस होता है जो आपके क्वेश्चन में 100% मार्क्स को प्रोवाइड करा देता है। एज लाइक सर 14 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है पीजीबीपी का कैपिटल गेन का, उसमें इसका यूज़ हो जाता है, इस वाले टॉपिक का, इस चैप्टर का यूज़ हो जाता है। इसको पढ़ने में हार्डली वन एंड हाफ आवर लगेंगे। तो अगर आप ये 1.5 आवर इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत से क्वेश्चंस का कुछ कुछ पॉइंट पढ़ लेते हो, इसलिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वेरी 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 इजी टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक है ये। हाँ सर सबसे इजी, देखो सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ हैं भाई इसमें, कहानियाँ हैं सर। कहानियाँ, अरे कहानियाँ मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको आपको सिर्फ याद रख लेना है, कोई लॉजिक वॉजिक सोचना भी नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें। आइए सर मैं दिखाता हूँ, 3.9 पे आते हैं। पहला इलस्ट्रेशन आपका क्या कहता है? सर पूरा टॉपिक पढ़ने जाएंगे ना पूरी बुक तो एक दिन में रिवाइज भी नहीं हो पाता, पढ़ने की बात छोड़ दो, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए सिर्फ मेरे साथ। आइए इलस्ट्रेशन 1। और हाँ, अगर आपको स्टडी करने के बाद लगता है कुछ और भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट ये चीज़ें जो मैं करवा रही हूँ आपको मस्ट करना है। एंड अगेन इंस्ट्रक्शन, कोई भी मेरे साथ ये अंडरलाइनिंग हाईलाइटिंग एंड ऑल दैट नहीं करेगा, आराम से पीछे कुर्सी पे बैठिए, टेक लगा के बैठे रहिए, बुक्स बंद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सामने से आप इसको देखते देखते सब कुछ करिए, बाद में पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ओके सर, मिस्टर बी ग्रो सुगर केन एंड यूज द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सुगर इन फैक्ट्री। 30% ऑफ द सुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच सुगर केन इज 5 लाख। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस सुगर केन 70% इज 14 लाख। कुछ नहीं सर, देखिए छोटी मोटी बातें बताते हैं ये लोग। ये बताते हैं कि आपने गन्ने उगाए हैं, बहुत ज़्यादा गन्ने उगाए हैं, उसमें से 30% आपने शुगर केन बेच दिया, मतलब एग्रीकल्चर का काम हो गया, और 70% शुगर केन को आप फैक्ट्री में लाके चीनी बना रहे हो। ठीक है सर। अब ये जो 30% बेचे हैं ना सर, ये हम 10 लाख रुपए में बेच दिए हैं, और इसको सोल्ड तो हम 10 लाख में किए, लेकिन इसके कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इसको उगाने की कीमत, खेत में बीज मजदूर खेती जोताई वगैरह सबकी कीमत मेरी 5 लाख बैठी थी। मतलब सर हमको एग्रीकल्चर की इनकम 5 लाख रुपए हुई है, बिकॉज ये तो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हमने गन्ना उगाया, देखो ये जो गन्ना था ये गन्ना उगा दिया, 70% बिजनेस में 30% एग्रीकल्चर, यूं ही गन्ने को बेचा, तो गन्ने से को बेच के 5 लाख रुपए हम कमा लिए हैं। ठीक है सर। अब जो 70% जो गन्ना बचा है वो 14 लाख का है कल्टीवेशन की कॉस्ट। अब जो 70% गन्ना बचा है इसकी कल्टीवेशन की कॉस्ट जो है वो 14 लाख आ गई है, एंड मार्केट वैल्यू एट द सेम टाइम इज 22 लाख, और ये गन्ना 22 लाख रुपए का बिकता। मतलब अगर हम एग्रीकल्चर में बेचते, यहां पे वर्ड सुनिएगा, अगर हम बेचते क्या 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 सर फिर से बोल दो ना, अगर हम एग्रीकल्चर में बेचते, अगर हम एग्रीकल्चर में बेचते तो क्या कॉस्ट आती सर, तो से 22 लाख, तो 22 लाख रुपए में ये बिकता और हमको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 14 लाख रुपए हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एडिशनल इनकम कितनी दिख रही है, 22 माइनस 14 कर सकते हैं आप लोग, अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल हो तो कैलकुलेटर आप लेके बैठ सकते हैं, 8 लाख की। बट सर हम यहाँ पे बेचे तो है नहीं, हाँ चलो बेचे नहीं, हम इसको प्रोसेस्ड करके क्या बना दिए, चीनी बना दिए, तो आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन, द शुगर वॉज सोल्ड फॉर 25 लाख, कंप्यूट बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। तो सर बिजनेस इनकम हम सीधे ऐसे निकालते हैं कि 25 लाख रुपए के आपने गन्ने बेचे हैं, ठीक है, गन्ना रॉ गन्ना, अगर आप चीनी मिल है, सॉरी चीनी बेची है, ये चीनी मिल है, इसमें से गन्ना ऐसे ऐसे आता है, यहाँ से चीनी 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 निकल रही है, तो आप 25 लाख की चीनी बेच दिए, रॉ गन्ना कितने रुपए का रॉ गन्ना डाले थे, कितने रुपए का हम रॉ मटेरियल डाले थे, सर दिया 22 लाख रुपए का रॉ मटेरियल, क्योंकि जो 70% गन्ना जो बचा है ना, 70% गन्ना जो बचा है इससे हम चीनी बनाए हैं, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी सर, 22 लाख रुपए। मतलब अगर 25 लाख का गन्ना बिका है तो इसकी गन्ने की रॉ मटेरियल, 25 लाख का चीनी बिका है तो रॉ मटेरियल मतलब गन्ने की कीमत उसमें 22 लाख रुपए थी, और 1.5 लाख रुपए सर हम प्रोसेसिंग का लगाए हैं, मतलब मेरी बिजनेस की इनकम कितनी आ गई। आपसे गलती क्या होने वाली है सर, ये 22 लाख क्यों माइनस की हो, अरे गन्ने की कॉस्ट है ये, अगर गन्ना हम ऐसे सुनिए, अगर ये गन्ना हम खेत में नहीं उगाते और बाजार से खरीद के लाते तो हमको कितने का पड़ता, फिर से, अगर गन्ना हम खेत में ना उगाते और बाजार से खरीद के लाते तो हमें क्या कीमत पड़ती, 22 लाख, इसलिए 22 लाख डिडक्ट हुआ है।
तो यहाँ पे सर आपकी इनकम कितनी आ गई? सर बिजनेस इनकम आ रही है सर मेरी 1.5 लाख रुपए। कैलकुलेट करके देखिए, बिजनेस इनकम आ रही है सर मेरी 1.5 लाख रुपए। बट सर एग्रीकल्चर इनकम कितनी आ गई? सर एग्रीकल्चर इनकम ये तो 5 लाख रुपए आई, और ये जो 22 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू थी और 14 लाख रुपए इसका ये था, 22 लाख माइनस 14 लाख, ये जो 8 लाख आया ना, 8 लाख है ना, हाँ 8 लाख, ये भी एग्रीकल्चर इनकम आ गई। मतलब सर 8 लाख और 5 लाख मिल जाए तो टोटल होता है सर 13 लाख मेरी एग्रीकल्चर इनकम है और 2.5 लाख मेरी सर बिजनेस इनकम है। जी हाँ, इतना हल्का क्वेश्चन था ये, इतना हल्का क्वेश्चन। वेट मेजरमेंट में ना इसमें कुछ दिखाएगा, माइनस में इसका वेट आएगा, इतना हल्का क्वेश्चन है ये। ओके सर, सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, पढ़ा दो सर जी। कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर बी। बी के लिए आप देखिए पर्टिकुलर्स बनाएगा, बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम बनाएगा। इस तरीके से आप पूरा ये एक प्रोफार्मा बनाएंगे। एंड क्या एग्रीकल्चर इनकम कहीं से टैक्सेबल होती है? सर लिख लो, लिख लो अपनी कॉपी के मार्जिन पे, लिख लो आप एक बार। मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूं कि आप लिख लीजिए कि एग्रीकल्चर इनकम कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होती है, ये एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(1), बट इसको टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। उसके ऊपर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बात बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब। अभी देखना जानिए, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(1), क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, इसलिए। आइए सर, सबसे पहली बात तो हम करते हैं सेल ऑफ शुगर। शुगर हम कितने का बेचे? हम 25 लाख का चीनी बेचे हैं, लेकिन अगर हम इस चीनी को बनाने के लिए गन्ना बाजार से खरीदने जाते तो गन्ना हमको 22 लाख रुपए का मिलता, और हम गन्ने से चीनी बनाने के जो प्रोसेसिंग पे खर्चा 1.5 लाख का किए हैं। सेल ऑफ शुगर 25 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन हो गया, शुगर केन करिए इसको, शुगर केन्स, चीनी नहीं, शुगर केन्स गन्ने की कीमत है 22 लाख रुपए, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए क्या हो गई मेरी? ये सर मेरी हो गई बिजनेस इनकम। क्या हो गई? बिजनेस इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम बड़ी मजेदार चीज कैसे निकलेगी, ये आएगा मजा। एग्रीकल्चर इनकम 70% गन्ने की कीमत थी, 22 लाख कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, गन्ने को पैदा करने की कीमत आई 14 लाख, 8 लाख रुपए मेरी ये एक आ गई कॉस्ट प्रॉफिट एग्रीकल्चर इनकम। और दूसरी एग्रीकल्चर इनकम जो डायरेक्ट हम गन्ना 10 लाख रुपए में बेच दिए थे और 5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थी, उस पर हमको इनकम हो गई 5 लाख रुपए। मतलब टोटल हमको एग्रीकल्चर इनकम हुई 13 लाख रुपए की। क्या हो गई टोटल एग्रीकल्चर इनकम? 13 लाख रुपए की। क्लियर है सर? क्लियर है। आपसे ये वाली मिस्टेक होती है कि आप इस वाली एग्रीकल्चर इनकम को इग्नोर करते हो, तो आप ये रेड मार्कर इस तरीके से लगा लो। अगर ये सही हो गया तो ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा। और अगर आपको लगता है सर इतने हलके क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, तो बाबू 2 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, जो 7th नंबर का ब्लॉक है ना उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके हाँ सर जी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहता है सी मैन्युफैक्चर लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है सर? देख समझ लीजिए, मिल्की फ्लूड हो गया एक तरीके से, लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन द इंडिया। सर टी कॉफी और रबर के लिए कुछ होता है, बाद में बताएंगे क्या होता है। दीज आर सोल्ड इन द मार्केट ऑफ 30 लाख्स, द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर प्लांट ऑफ रुपीज 10 लाख एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स इज 8 लाख, कंप्यूट हिज टोटल इनकम। पहली बात तो ये देखिए, टी कॉफी और रबर के लिए कुछ एक्सेप्शंस मिली है, जिसको मैं डिटेल में ये एक्सेप्शंस या ये रेट्स कैसे याद रखने हैं और कैसे याद करने हैं, कैसे करेंगे और कैसे रखेंगे दोनों मैंने बताया है। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो आपकी पीजीबीपी का चैप्टर जो है उसमें है, क्लास नंबर 4 आएगी और लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 21, वहां पे मैंने पूरी डिटेल बता दी। अगर यहां करेंगे तो बेटा तो रिपीटेशन हो जाएगा और टाइम अननेसेसरी ज्यादा लगेगा, या आपकी 1 डे रिविजनरी क्लास टाइप की है, टाइम नेसेसरी हम नहीं लगाएंगे, इननेसेसरी टाइम नहीं लगाएंगे। यहां पे बात सीधी सीधी कर दी कि रबर प्लांट पे सर, रबर प्लांट पे 30 लाख रुपीज का हमने रबर प्लांट पे इंडिया में इनकम की है और 30 लाख रुपया का मार्केट में रबर को सोल्ड किया, जिसमें से कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग द प्लांट मतलब एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस 10 लाख का था एंड प्लांट एंड रबर प्लांट का ये 10 लाख रुपीज जो आ गया मैन्युफैक्चरिंग का, तो 30 लाख माइनस 10 लाख माइनस 8 लाख करेंगे। सर नहीं समझ में आया, देखो मैन्युफैक्चर किया है लेटेक्स को फ्रॉम द रबर प्लांट, तो पहली बात लेटेक्स को मैन्युफैक्चर किया और उसको सोल्ड कर दिया 30 लाख रुपए में, बट रबर प्लांट को उगाने की कीमत 10 लाख रुपए पड़ी थी और रबर से, रॉ रबर से लेटेक्स बनाने की कीमत 8 लाख रुपए पड़ी थी। अगेन जस्ट प्रीवियस वाले की तरह, जैसे गन्ने को बेचा इतने में, सॉरी शुगर केन को, शुगर्स को बेचा, चीनी बेचा इतने में, गन्ने की कीमत ये थी और गन्ने को उगाने की कीमत ये थी, माइनस हुआ था ना, गन्ने की कीमत ये थी और रबर
अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी यार सुनो। गन्ने की गन चीनी बेची, चीनी की कीमत ये थी, गन्ने की कीमत ये थी, और गन्ने से चीनी बनाने की कीमत ये थी। इसी तरीके से लेटेक्स की कीमत ये है, रबर को उगाने की कीमत ये, और रबर से लेटेक्स बनाने की कीमत ये है। तो टोटल कितना खर्चा बैठा हमको लेटेक्स पाने के लिए? 18 लाख का 30 माइनस 18 इक्वल टू 12 लाख, 12 लाख टैक्सेबल होगा। लेकिन 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 ये 12 लाख रुपए में कुछ तो एग्रीकल्चर इनकम भी मानी जाती है। देखो सर, एग्रीकल्चर इनकम यहाँ डिडक्ट हो गई? नहीं, टोटल इनकम ऑफ सी कंपनीज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम दोनों मिला के कितनी है? टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट माना गया 30 लाख माइनस 10 लाख माइनस 8 लाख 12 लाख का था। टोटल प्रॉफिट यहां मानेंगे, टोटल प्रॉफिट 12 लाख का था। अब इस 12 लाख में से ना एग्रीकल्चर का पोर्शन अलग करते हैं और बिजनेस इनकम का अलग करते हैं। ये मार्केट वैल्यू यहां पे हम लिए नहीं है रबर प्लांट की, देखिए मार्केट वैल्यू नहीं लिए हैं 10 लाख रुपए, हम इसकी कॉस्ट लिए हैं, कॉस्ट ऑफ लिए हैं ग्रोइंग रबर प्लांट, खर्चा लिए, मार्केट वैल्यू नहीं लिए। इसीलिए इस प्रॉफिट में एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड है। इस प्रॉफिट में क्या है? एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड है। तो एग्रीकल्चर इनकम जो इंक्लूड होती है रबड़ के केस में, अच्छा यहाँ पे आपको इतना बता दे, तो हमेशा याद रखिएगा जो 50% से कम वाला पोर्शन होता है वो टैक्सेबल होता है। टी, कॉफी और रबर में जो 50% से कम वाला पोर्शन होता है वो टैक्सेबल होता है। और ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकता है। एग्रीकल्चर इनकम जो है 65% मानी जाएगी 12 लाख की, और बिजनेस इनकम 35%। टीआरसी को मैंने पहले पढ़ाया है, टीसीआर ये जो है मेरा, आप प्लीज वहां से रेफर कर लीजिएगा। अननेसेसरी ज्यादा टाइम देने का कोई सेंस नहीं बनता है दोस्तों। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन खोजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ मिलेगा? इलस्ट्रेशन नंबर थ्री, इलस्ट्रेशन नंबर थ्री। मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 1920। एकदम इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, मतलब कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से ये हाउस प्रॉपर्टी भी कंप्यूटेड है, कुछ नहीं करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी 2,80,000 आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000 आ गई, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड इन जयपुर 4,80,000, एक्सपेंसेज इनकरिंग फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम 1,70,000। मतलब इस एग्रीकल्चर इनकम को करने के लिए एक्सपेंस हम क्या होंगे? मजदूर लगाए होंगे, ट्रैक्टर ट्राली चलवाए होंगे, बीज खरीदे होंगे, सिंचाई करवाएंगे, ऑल दैट, उसका भी खर्चा दे दिया है। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी एज्यूमिंग हिज एज 45 या 70 ईयर। सर बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट 45 साल वाले के लिए कितनी है? सर 2,50,000 रुपए है। और 70 साल वाले के लिए सर कितनी है? 3,00,000 रुपए है। ओके ओके, 2,50,000 और 3,00,000, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर ये होता क्या है और कैसे होता है? सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, तो केवल और केवल टैक्सेबल इनकम को हम ले लेते हैं और वहाँ पे सब कैलकुलेशन कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा काम कभी भी गलती मत करिएगा करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या हम लोग? सबसे पहले हम करेंगे ऐड जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम है प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, सब आप एक बार ले लीजिए। जितनी भी इनकम है सब इनकम आप एक बार ले लीजिए, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम में भी कॉशन रखना है कि सर वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया। नॉन एग्रीकल्चर इनकम में भी कॉशन रखना है कि नॉन नहीं, नेट एग्रीकल्चर इनकम लेंगे। सर नेट एग्रीकल्चर इनकम से आपका क्या मतलब है बता देता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। तो इट मीन सर हम क्या लेंगे? ये हम लेंगे नेट, नेट एग्रीकल्चर इनकम। कहाँ गया सर? ओके यहाँ है सर, हम लेंगे नेट एग्रीकल्चर इनकम। सर नेट का मतलब क्या है? जो मेरा कॉस्ट माइनस करने के बाद, मेरा जितना सेल्स प्राइस था माइनस कॉस्ट करने के बाद नेट एग्रीकल्चर इनकम हम लेंगे, और इस पे हम निकाल देंगे टैक्स। स्टेप टू में हम केवल और केवल एग्रीकल्चर इनकम लेते हैं प्लस बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट जिसकी जितनी होती है, इस अमाउंट को टोटल करके इस पे निकाल देते हैं हम टैक्स। थर्ड स्टेप पे सर हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हमें एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाना है, इसलिए हम स्टेप स्टेप लिखते लिखिएगा मतलब फिलहाल मेरे साथ लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टेप नंबर वन में जो टैक्स आया, मतलब ये वाला टैक्स हमेशा ज्यादा आएगा क्योंकि इसमें हम पूरे एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर सब पे टैक्स लगाए। स्टेप वन माइनस स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप वन में जो टैक्स आया माइनस स्टेप टू में जो टैक्स आया वो करते हैं। फोर्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे सर? फोर्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे? सीधी साधी बात, सरचार्ज लगाना है तो सरचार्ज लगाइए, वरना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमेशा से लगते ही आया है। और इनको 87A की जो डिडक्शन वगैरह मिलनी है वो सब मिल जाएगी सर। बट समझ में कुछ नहीं आया, हाँ लॉजिक अब इसके पीछे का मैं अब देने जा रहा हूँ तो अब आपको समझ में आएगा। देखिए ये दो लोग हैं, एक ये हैं और एक ये हैं। भाई साहब ये कमाते हैं ना
5 लाख रुपए और ये कमाते हैं 7 लाख रुपए। और दूसरी बात ये बता दूं, ये सब जो मैंने पूरा स्टेप बताया है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अगर AOP BOI है HUF एंड ऑल दैट हो रहा है, मतलब कंपनी और फर्म है तो ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, बाकियों के लिए सब प्रोसीजर फॉलो होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं सर जिसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा होता है केवल उनके लिए ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो हाँ, अगर मान लीजिए ये 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, 7 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, तो क्या सर इनके 30% वाले स्लैब में भी आते हैं? हाँ, बट ये तो सर केवल 20% वाले स्लैब में आते हैं। तो इसलिए अगर इनकी एग्रीकल्चर इनकम, इनकी भी एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए है और इनकी भी एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख रुपए है, तो सर हमें क्या करना चाहिए? हमारा मोटिव ये होता है, पहली बात तो ये कि अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होती है तो ये सब रूल फॉलो होता है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है, 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख से ज़्यादा होती है, तो ये रूल फॉलो होता है। हम क्यों सर एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर दोनों इनकम को एक साथ लेते हैं? क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को एक साथ यहां ले लिए तो ये 30% वाले स्लैब रेट में अगर इनके ऊपर सही से टैक्स लग पाया, बट अगर हम केवल और केवल नॉन एग्रीकल्चर इनकम को लें तो 10 लाख पे ही लगेगा। ये 30% स्लैब रेट में 10 लाख पे टैक्स लगेगा, 30% स्लैब रेट में ये जा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ना दिक्कत हो जाएगी कि जो रियल रेट इनके ऊपर लगना था, मतलब हायर रेट जो इनके ऊपर आता ना, हायर रेट ऑफ टैक्स, उससे ये बच जाएंगे। इसलिए क्या किया गया कि इनमें पहले पूरा ऐड किया जाता है, उसके बाद फिर जो एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स बनता है वो माइनस कर देते हैं। अब एग्रीकल्चर इनकम पे कितना टैक्स बनेगा? मान लीजिए इनकी एज 51 ईयर्स है दोनों की, तो 5 लाख एग्रीकल्चर इनकम है जो कि मैंने ये बताया था, प्लस 2.5 लाख 7.5 लाख रुपए पे जो टैक्स लगता होगा, 7.5 लाख रुपए पे जो टैक्स लगता होगा वो डिडक्ट हो जाएगा, और 15 लाख पे जो टैक्स लगता होगा वो हम कलेक्ट कर चुके हैं। तो सर 30% स्लैब रेट वाला टैक्स पहले ही हम ले चुके हैं, उसके बाद तो सर जो पहले का छोटा टैक्स स्लैब है उसको माइनस किए, मतलब 5 लाख रुपए 10 लाख के ऊपर जो 5 लाख आया ना 15 लाख में से, उस पर सर 30% टैक्स रेट ले लिए। हमने जो छूट दी है ना वो शुरुआत से दी है, मतलब पहले बेसिक एग्जेम्पशन की, उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम की, उसके बाद जितनी इनकम है सब पे हायर रेट से टैक्स लग गया। ये एक बेनिफिट मिलता है क्वेश्चन के थ्रू, अब आप समझ जाएंगे और ज्यादा अच्छे से। देखिए ये 45 साल के हैं या 70 साल के हैं, तो आई थिंक सर 45 साल वाले के ऊपर ज्यादा टैक्स आना चाहिए ना, क्योंकि उसकी तो 50,000 रुपए पे ज्यादा उसके टैक्स लगेगा, 50,000 रुपए पे ज्यादा टैक्स लगेगा। अब देखिए 50,000 का 5% क्या होता है? 2500 रुपए सर, 50,000 का 5% सर होता है 2500 रुपए। अब अगर बस इतना याद रखिएगा, 50,000 का 5% कितना होता है? 2500 रुपए। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं, हम अगर कैलकुलेशन करते हैं 45 ईयर्स के लिए, तो कंपटीशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स अगर उनकी आयु 45 वर्ष है तो फॉर द पर्पज ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन फॉर टैक्सेस मिस्टर एक्स हैज सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशन, दैट इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000 रुपीज पर एनम एंड नेट एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स 5,000 पर एनम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख रुपए। इट मीन्स बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड सर, बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन हिज टैक्स लाइबिलिटी इज कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। उनकी टैक्स लाइबिलिटी इस तरीके से कुछ जाएगी कि इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी हुई? 2,80,000 रुपए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000 रुपीज। ये भी गिवेन था, ये कंडीशन बताई थी, अभी तक हमने कुछ भी इसमें नहीं किया है। नेट एग्रीकल्चर इनकम 4,00,000 - 1,70,000, मैंने आपको बताया था नेट एग्रीकल्चर इनकम लेते हैं 3,10,000 रुपए। सब कुछ क्वेश्चन का गिवन डाटा है, बट सर एग्जेम्प्ट होती है ना अंडर सेक्शन 10(1), 3,10,000 माइनस हो जाएगा, तुरंत वहीं पे एग्जेम्प्ट करिएगा इसको, या आप क्वेश्चन पॉइंट लिखिए आपका ये एग्जेम्प्शन छूटेगा। भाई साहब ये ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शंस में मत जाइएगा इसको देने, आपसे गलती होती है, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आप जाके डिडक्शन में लिखेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(1), ये बिल्कुल एग्जामिनर काट के जीरो देगा आपको, आपको ग्रॉस टोटल इनकम के पहले एग्जेम्पशन देनी है, बिकॉज इट इज एग्जेम्पशन नॉट ए डिडक्शन। अगर डिडक्शन होता तब आप टोटल इनकम से देते, भाई ये एग्जेम्पशन है तो टैक्सेबल हुआ ही नहीं, जो चीज टैक्सेबल हुई नहीं वो डिडक्ट कैसे हो सकती है? इफ हम आपको कहते हैं भारत से निकल जाओ, अगर कोई भारत ट्रंप को बोला गया भारत से निकल जाओ, अरे ट्रंप भारत में होगा तब तो भारत से निकालेंगे, पहले टैक्सेबल होता तब तो डिडक्ट करते, बट वो एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्पशन है, इसलिए ग्रॉस टोटल इनकम के पहले ही आप इसको डिडक्ट कर देंगे। ओके सर, डिडक्शन चैप्टर 6 की कोई है नहीं, कुछ नहीं दी थी, 5,30,000 रुपए टैक्सेबल होगा अभी तक, कोई दिक्कत है? हो इम्पॉसिबल, अगर आपको दिक्कत है तो आप कंसंट्रेशन लूज किए, 2,80,000 आप ऐड करिए, 2,80,000 प्लस 2,50,000 कितना आया है,
5,30,000 सर, 5,30,000 तो आ गया। अब टैक्सेस कैसे लगेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पे करिएगा, बड़ा मजा आने वाला है सर। 5,30,000 प्लस 3,10,000 इज इक्वल टू 8,40,000। मैंने क्या बोला था आपको कि टोटल इनकम, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम, नेट है 3,10,000, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम और नेट एग्रीकल्चर इनकम इसको जोड़ लिया, इस पर टैक्स लगा दिए, तो 8,40,000 रुपये पे आप टैक्स लगाएंगे। तो 2,50,000 के ऊपर तो कुछ नहीं, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% और उसके ऊपर मतलब 3,40,000 पे 20% टैक्स लग जाएगा, तो 80,500 लगेगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए प्लीज। हेल्थ एंड एजुकेशन से आप नहीं लगाएंगे, हेल्थ से आप नहीं लगाएंगे, सरचार्ज नहीं लगाते हैं अभी, ठीक है सर। अब एक, अब आपको दूसरा, आपको क्या मैंने बोला था, सिर्फ और सिर्फ बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम पे कितना टैक्स बनता है। तो बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट सर 2,50,000 की है इनकी, 3,10,000 नेट एग्रीकल्चर इनकम है, 5,60,000 पे क्या टैक्स बनता है वो आप निकाल लेंगे। शुरुआत के 2,50,000 पे नील है, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% है और उसके ऊपर मतलब 5,00,000 के ऊपर, 5,00,000 के ऊपर 60,000 बनता है, 60,000 पे 20% मतलब 30,000 रुपये टोटल टैक्स आप देखें तो, सॉरी 60,000 पे 20% है ना, 60,000 का 20% इज इक्वल टू 12,000 रुपये प्लस 2,50,000 का 12,500, ये 12,500 12,000 मतलब 24,500 रुपये टैक्स बन गया। स्टेप टू का टैक्स आया 24,500, मतलब ये वो पैसा है जो एग्रीकल्चर इनकम है प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, मतलब इतना, इतनी अमाउंट का टैक्स नहीं लगना चाहिए था और हमको लगा कितना है, 80,500 रुपये का टैक्स लगा है और 24,500 का टैक्स नहीं लगना चाहिए था, तो हम क्या करते हैं स्टेप थर्ड में, 80,500 माइनस 24,500 जिसको जो टैक्स नहीं लगना चाहिए था, मतलब स्टेप वन माइनस स्टेप टू जो टैक्स नहीं लगना चाहिए था उसको निकाल के बाहर कर दिए, बाहर फेंक दिए, ठीक है। तो सर 56,000 रुपये मेरे ऊपर टैक्स आ गया। स्टेप फोर एंड फाइव क्या कहते हैं, टोटल टैक्स पेबल 56,000 प्लस 4%, यहाँ पे आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से जुड़ जाएगा 58,250, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बात करें अगर हम कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एज 70 साल, अगर 70 साल हो गई तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3,00,000 की है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3,00,000 की है ना, हाँ सर 3,00,000 की है। फॉर द पर्पज ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस मिस्टर एक्स सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन, कौन कौन सा, सर भाई साहब ये 5,000 रुपये से ज्यादा इनकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है, उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है, तो 5,30,000 प्लस 3,10,000 8,40,000, सेम फिगर चलिए 8,40,000, इस पर टैक्स निकला 78,000 रुपये सर। 78,000 रुपये कैसे, बिकॉज 78,000 सर कैसे, बिकॉज ये 3,00,000 के बाद डिडक्शन मिली है, तो 3,00,000 के बाद डिडक्शन मतलब 2,00,000 पे 5% प्लस 3,40,000 पे 20%, आप कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेटर पे आएगा 78,000 रुपये। उसके बाद सर 3,10,000 नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे 6,10,000 पे मतलब 3,00,000 तक तो कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट 2,00,000 पे 5% और उसके बाद 1,10,000 पे 20%, आपका 32,000 टैक्स आया। अगेन स्टेप वन माइनस स्टेप टू करते हैं तो 46,000 रुपये आ गया और टोटल टैक्स पेबल 46,000 प्लस 4% 47,840 आया, 47,840 है। अब आप प्लीज कैलकुलेट करिए, 58,250 प्लस, सॉरी माइनस 47,840 कितना आता है डिफरेंस, सर किसका डिफरेंस बोलो, 58,240 माइनस 47,840, 58,240 माइनस 47,840 सर फर्क आता है सर 10,400 रुपए का, बट सर 50,000 का ही तो डिडक्शन था, एक्स्ट्रा 50,000 का ही तो लिया, देखिए जो क्वेश्चन में आई आप क्वेश्चन में इनको तो एक्स्ट्रा 50,000 का ही फर्क पड़ रहा है सर, तो अगर मैक्सिमम 2,500 रुपए का फर्क पड़ना चाहिए था 5% के रेट से। यही मैंने आपको बताया क्यों ये करते हैं एग्रीगेशन इस तरीके की, ये पूरी प्रोसेस क्यों करते हैं, जो 50,000 रुपए है ना, ये 50,000 रुपए बाद वाला 50,000 रुपए टैक्सेबल हो, मतलब हायर रेट वाला, हायर रेट यहाँ पे 20% था ना, तो 50,000 का 20% कितना होता है 10,000 रुपए प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन से जुड़िए, तो 10,400 आ गया। इसीलिए ये इस तरीके एग्रीगेशन कराते हैं कि जो पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चर लिमिट ये एग्जॉस्ट हो, जिससे लोअर रेट ऑफ टैक्स जो है एग्जॉस्ट हो जाए और आपके ऊपर जो बाद की जितनी भी टैक्सेबल इनकम हुई है वो हायर रेट से टैक्सेबल हो, किससे हो, हायर रेट से टैक्सेबल हो, मतलब सर नॉन एग्रीकल्चर इनकम को हायर रेट से टैक्सेबल करने का प्रोसेस उन्होंने बता दिया कि पहले सारी इनकम टैक्सेबल कर दो, उसके बाद केवल एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को टैक्सेबल कर दो, फिर टू में से वन में जो टैक्स आया माइनस टू कर दो, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से और सरचार्ज वगैरह लगा दो। क्लियर है सर, क्लियर है, मैंने आपको रीजनिंग भी दे दी जो कि इस रिवीजन क्लास में नीड नहीं थी, फिर भी मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं अगर आप देखिए तो, ठीक है सर। मिस्टर ए अ मेंबर ऑफ एचयूएफ रिसीव 10,000 एज हिज शेयर ऑफ फर्म फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ इन इफ सच इनकम इंक्लूडेड इन चार्जेबल इनकम
एग्जामिन द रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स 1961। भाई साहब आपको यहाँ पे एक बात लर्न करनी है, सीधी सी बात है, फर्म हो या एचयूएफ हो, एचयूएफ और फर्म दोनों केस में होता है जब ये अपना फर्म को पार्टनर और एचयूएफ के लिए मेंबर, क्योंकि एचयूएफ या फर्म दोनों खुद ही अपनी इनकम पे टैक्स भर चुकी होती हैं, तो जब इनकम मेंबर को मिलती है देन ये एग्जेम्प्ट हो जाती है और फिर से टैक्सेबल नहीं होती है। बहुत छोटी सी बात थी, यहाँ पे लिखा भी है यही चीज, नो सच इनकम इज नॉट इंक्लूडेबल इन द मिस्टर ए चार्जेबल इनकम सिंस सेक्शन 10 टू एग्जेम्प्ट सच एनी सच इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ वेयर सच सम हैज बीन पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली। एचयूएफ ने खुद ही टैक्स भर दिया था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन खोजें। अच्छा अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट जाए कभी तो आप मुझे मैसेज कर देना या फिर आप मैनेज कर लेना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया? हमने अभी नेक्स्ट कौन सा प्रीवियस कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है ये भी आप मुझे नहीं बता सकते, बताइए। कितनी विडंबनाएँ हैं, फोर्थ पढ़ा है, फिफ्थ होगा कहीं, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? अरे फिफ्थ इलस्ट्रेशन नंबर 5, कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर रिसीव्ड फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी बाय एन इंडिविजुअल। चलो ये भी एक प्रोविजन पे है, इसको भी आपको लर्न करना है कि अगर क्या होता है। देखिए कंपनसेशन आपको रिसीव हुआ फ्रॉम द डिजास्टर रिसीव्ड फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी के द्वारा किसी इंडिविजुअल को या उसके लीगल हेयर को, तो टैक्सेबल है। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ये गवर्नमेंट से आपको मिले, ये स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी हो, किसी इंडिविजुअल को अगर मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होता है डिजास्टर का। खेल आपके साथ वो खेलेंगे कंपनी के बेस पे एमसीक्यू में, तो आप कंपनी के लिए आप एग्जेम्प्ट इसने नहीं बोला है, इसने केवल इंडिविजुअल के लिए एग्जेम्प्ट बोला है। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर सेक्शन 10(10)(bc) एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसेबल इन द कंपनसेशन और बाय एन इंडिविजुअल और His हर लीगल हेयर ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे डिजास्टर की बात करिए ना यार, अभी ये 5,000,000 रुपए इन्होंने अनाउंस किए हैं जो कि आपका विशाखापट्टनम में गैस लीक होने के कारण लोग मर गए हैं, तो क्या ये सर ये डिजास्टर हो गया, क्या इसके लिए टैक्स लगेगा उस 5 लाख पे? नहीं लगेगा, वही बात बता रहा है यहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, हाउएवर द एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू द एक्सटेंट सच इंडिविजुअल और लीगल हेयर हैज ऑलरेडी बीन अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर दिस एक्ट ऑन द अकाउंट ऑफ सच लॉस और डैमेज कॉस्ट बाय सच डिजास्टर। एंड इवन आपको एक बात और मैं बता दूं, बहुत पहले भोपाल गैस का आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो भोपाल में भी गैस लीक हुई थी, बहुत लोग मर गए थे, उसको स्पेशल एंट्री देकर इन्होंने एग्जेम्पशन में डाला। स्पेशल एंट्री डाली थी कि भोपाल गैस केस में अगर किसी को कोई कंपनसेशन मिलता है तो एग्जेम्प्ट होगा। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? यार आप लोग मुझे ना व्हाट्सएप करके बता दिया करो आपको कैसा लग रहा है ये पढ़ना इस तरीके से, और आप लोग क्या अपने दोस्तों को रेफर करोगे ये चीजें। इलस्ट्रेशन नंबर 6 बात करते हैं, एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू द सिक्किमी। अगेन इसको भी आपको लर्न करना है सर, कहाँ से लर्न कराओगे आप? अच्छा मैं आपको ना लास्ट पेज पे एक बार आपको लेके चलता हूँ, 47 पेज पे ये पढ़ो, आप पढ़िए प्रोविजन। इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, किसी भी सोर्स में। देखिए कहाँ कहाँ ये लोग आपसे झगड़ा करेंगे, आपसे अगर बोलते हैं केवल पीजीबीपी, ना बाबा ना, किसी भी सोर्स से। इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के स्टेट में, ऐसा नहीं कि सिक्किमी है और हिमाचल प्रदेश से कमा रहा है, बिल्कुल नहीं, सिक्किमी है और वो सिक्किम से अगर कुछ भी कमा रहा है। एंड 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम भाई साहब, डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ सिक्किमीज इंडिविजुअल। सिक्किमीज के हाथ में डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम ऑन सिक्योरिटीज, जो इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो इनको मिलता है और डिविडेंड इनकम, वो भी एग्जेम्प्ट होती है। सर डिविडेंड इनकम तो ऐसे भी एग्जेम्प्ट होती है ना, ना 10 लाख के ऊपर अब टैक्स लग चुका है, लेकिन ये कितना भी कमाए टैक्स नहीं है इनके ऊपर। दिस एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन टू अ सिक्किमी वुमेन हु ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2008 मैरिड टू नॉन सिक्किमी इंडिविजुअल। ऐसा क्या होता था कि सिक्किम के लोगों को चूंकि इतनी छूट है तो सिक्किम की लेडीज से कोई भी आएगा, चलिए यूपी, एमपी, जेपी, केपी, यूके, कहीं का भी कोई भी इंडिया का अदर पार्ट से आदमी आया और किसी भी सिक्किमी लेडीज से शादी कर लिया, ठीक है, अब ये सिक्किमी नॉन सिक्किमी हो गई, बट और शादी होने के बाद इसने ना अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट इसके नाम पे कर दी है या बिजनेस भी इसी के नाम पे चला रहा है, तो एग्जेम्पशन ले लेता है ये, क्योंकि सिक्किमी को क्या है, एग्जेम्पशन है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे, प्लस अगर उसको डिविडेंड मिलता है या एनी सोर्स इन द स्टेट है वो तो एनी सोर्स। तो क्या हुआ अगर कोई सिक्किम में जाके काम कर रहा है, मान लीजिए ये गए भाई साहब सिक्किम में जाके बिजनेस कर रहे हैं, तो अपनी वाइफ इससे लड़की से शादी कर ली, अपनी वाइफ बना ली, इसके नाम पे बिजनेस करने लगे, सिक्किम में स्टेट करने लगे, या फिर इसको बाहर लेके आए एंड ऑल दैट, तो सिक्योरिटीज पे एग्जेम्पशन ले रहे हैं अपनी इंटरडिविडेंट पे। इस तरह की घटनाएं ना हो, सिर्फ इस इरादे से शादी ना हो क्योंकि
हमें एग्जेम्पशन लेनी है और कुछ उसके बाद छोड़ा जा सकता है या फिर अदर भी सोशल इश्यूज इकट्ठा हो सकते हैं, इसलिए ये एक्सप्रेसली कह दिया गया कि अगर उस वुमेन ने शादी कर ली है तो ये एग्जेम्पशन विदड्रॉ हो जा रही है। ठीक ठीक है सर। अच्छा एक और मैं आपको इसमें पढ़ा दूँ जरा, बहुत अच्छी चीज़ एक और है, गैलेंट्री मेडल्स के बारे में आपने सुना होगा शायद। पता है कुछ भारत के शहीद जो लोग हो जाते हैं जिनको परमवीर चक्र मिलता है और ऑल दैट, जो जय हिंद वाले लोग हैं हमारे सिपाही सैनिक, उनके लिए कुछ बोला गया है कि पेंशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल हु हैज़ बीन सर्विसेज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज़ अवार्डेड परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र, सच अदर गैलेंट्री मेडल अवार्ड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज इज एग्जेम्प्ट। अगर इतने शहादती लोगों को, इतने वीर लोगों को कोई पेंशन अगर मिलती है ना, शहादती गलत वर्ड है, इतने वीर लोगों को अगर कोई पेंशन मिलती है ना तो उनकी पेंशन पे टैक्स नहीं लगेगा। भाई ये भारत का गौरव है, ये सम्मान के पात्र हैं, इनको सिर्फ सम्मान मिलना चाहिए, इनको सम्मान मिलता है, आपको टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है सर, ये भी एक तरीके का सम्मान है आपके लिए। जय हिंद। अब क्वेश्चन नंबर हमसे इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एग्जेम्पशन इज अवेलेबल इन टू अ सिक्किमी इंडिविजुअल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। गलत बात सर, अभी तो आपने बताया कि सर डिविडेंड पे भी मिलता है या फिर इंटरेस्ट अर्नड ऑन सिक्योरिटीज पे भी मिलता है, तो सर स्टेटमेंट तो गलत है। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर आपने अपने मुंह से बोल दिया कि स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो मतलब करेक्ट नहीं है, बात खत्म। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1026AA इज अवेलेबल टू अ सिक्किमी इंडिविजुअल नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम बट ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। क्लियर है सर? हाँ सर, ये बात उन्होंने बता दी, सिक्योरिटीज पे भी मिलेगा और डिविडेंड पे भी मिलता है। सर कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितने पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पॉइंट्स आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर क्यों ज़रूरी है? मैंने आपको बताया था कि उसी से घुमा फिरा के कहीं ना कोई क्वेश्चन पूछता है। सर कितना घुमा रहे हो स्लाइड्स? इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आते हैं। Why Limited furnish you the following information for the year ended 31st March 2020? Total turnover of Unit A located in Special Economic Zone. सर Special Economic Zone के बारे में पहले बात कर लेते हैं, आइए। हाँ सर बता दो Special Economic Zone। सर Special Economic Zones होते हैं कुछ, सर ये क्या होते हैं सर Special Economic Zone? ये भारत के अंदर ही कुछ zones बना दिए जाते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज को, जहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडस्ट्रीज हैं ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देना, सपोर्ट दिया जाता है कि वो अच्छे से रन कर सकें, और इनको कुछ सपोर्ट देना है इंडस्ट्रीज को, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो इनको 10AA इनके ऊपर लगती है सर जो काम कर रही है। सपोर्ट देना है मतलब क्या सर? इनको टैक्स फ्री कर दिया जाता है, टैक्स फ्री कर दिया जाता है। अभी लास्ट का जहाँ तक मुझे याद है उत्तराखंड का बद्दी शहर देखे होंगे, जहाँ पे अभी आपने न्यूज़ में बहुत सी फैक्ट्रीज देखी होंगी जो फार्मास्यूटिकल्स की थी, जो कोविड का केस आया था तो आपने देखा होगा बहुत सी फैक्ट्रीज फार्मास्यूटिकल्स की वहाँ पे थी, जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन वगैरह की फैक्ट्रियाँ थी जिनको दिखा रहा था कि बद्दी में स्थित हैं। तो सर वो बद्दी क्या था? बद्दी क्या है? सेज में, सेज बनाया गया था कि सारी फार्मा सेक्टर वहाँ कंपनियाँ चली गई, ठीक है। अब ये सर सपोर्ट किस तरीके से इनको देती है गवर्नमेंट? जब ये कंपनियाँ होती हैं ना तो ये कंपनियाँ कुछ टर्नओवर कर रही होती हैं और इनको बोल दिया जाएगा आपको 15 ईयर्स तक छूट दी जाएगी, फर्स्ट 5 ईयर्स तक आप को 100% टैक्स फ्री किया गया है और उसके बाद के 10 सालों तक आपसे केवल 50% टैक्स लिया जाएगा। 50% टैक्स, हाँ 50% इनकम पे टैक्स। शुरुआत के 5 सालों पे तो 100% इनकम इनकी टैक्स फ्री है, लेकिन 5 साल के बाद 50% इनकम पे टैक्स लगता है। 50% टैक्स नहीं लगता, 50% इनकम पे टैक्स लगता है, ठीक है सर। सर तो इनको छूट कैसे दी जाती है? देखो जब ये टर्नओवर करते हैं इसका मतलब ये कुछ सेल्स कर रहे होते हैं, और जब ये सेल्स कर रहे होते हैं ना तो सर दो तरह की सेल्स कर रहे होते हैं। एक तो ये एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, मतलब देश के बाहर भेज रहे होते हैं। मान लीजिए विशाख, ये बद्दी ही है, बद्दी में इसने दवाई बना के दवाई ये यूएसए को भेजता है, और ये कुछ लोकल सेल्स कर रहा होता है सर, लोकल सेल्स कर रहा होता है। ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी चलाक है, देखो ये चलाक है, एकदम चलाक, इसकी आँखें भी बनाते हैं एकदम चलाक वाली, ठीक है सर, ये चलाक है एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सोचती है कि लोकल सेल्स की बात अभी छोड़ो, ये तो पैसा आ ही रहा है, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है ना तो हमारे पास डॉलर आता है, डॉलर आता है। तो ये क्या करती है, सेज वाली कंपनियों को बोलती है सुनो 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 सुनो, तुम जो एक्सपोर्ट करोगे ना, ठीक है, तुम सेल्स करोगे तो तुमको प्रॉफिट होगा। हाँ सर,
अब ये जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट में तुम्हारा एक्सपोर्ट का भी प्रॉफिट इंक्लूड है और तुमने जो डोमेस्टिक माल बेचा है उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड है। मतलब मान लीजिए यूएसए को इसने माल बेचा, इसका 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ, यूएसए को इसने माल बेचा 70 करोड़ का और भारत में माल बेचा 30 करोड़ का, और इसको टोटल प्रॉफिट हो गया 10 करोड़ का। तो एक्सपोर्ट से कितना प्रॉफिट हुआ, लेट्स एज्यूम सर यूएसए से इसने 7 करोड़ का प्रॉफिट किया और भारत से इसने 3 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट, जो चालाक सी गवर्नमेंट है, बोलती है सुनो हाँ तुम एक्सपोर्ट पे जितना प्रॉफिट कमाए उसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं। हैं हाँ, मतलब सर ये क्या करते हैं ना कि 15 ईयर्स तक इन्होंने दी छूट, तो शुरुआत के 5 साल तक जो है 100% एग्जेम्पशन देंगे। किस पे? टोटल प्रॉफिट पे नहीं, वो प्रॉफिट जो एक्सपोर्ट करने से पाए है। और नेक्स्ट के 10 ईयर्स होते हैं इसमें 50% ही इनकम को टैक्सेबल करते हैं, 50% इनकम टैक्सेबल करते हैं ये। लेकिन याद रखेगा पूरे प्रॉफिट को नहीं, सिर्फ उस प्रॉफिट को जो आपने एक्सपोर्ट से पाया। ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए या फिर समझ लीजिए फिर से, ठीक है? ठीक है सर, रिपीट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक पे हैं इस समय, आपके टाइम पास टाइम बहुत कम है। ओके सर, इट मीन्स सर अगर हम देखें तो 10AA में हमको अगर एग्जेम्पशन क्लेम करनी है, क्या करनी है सर? डिडक्शन, वर्ड सही है वैसे, एग्जेम्पशन नहीं, इसको डिडक्शन कहते हैं, मुझसे गलती होगी, एग्जेम्पशन नहीं बोलिए, डिडक्शन होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA सर हमको मिलता है तो कैसे मिलता है? पहली बात तो ये हम पूरा प्रॉफिट निकालेंगे उस यूनिट का प्रॉफिट। पहली बात तो ये, तो टिकटॉक करती है मत बोलिएगा आप लोग। पहली बात तो ये कि हम पूरा प्रॉफिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? हाँ पूरा प्रॉफिट निकालेंगे, किसका? इस यूनिट का, लेट्स से यूनिट ए थी। उसके बाद हमारा एजेंडा क्या है सर? हमारा एजेंडा है कि एक्सपोर्ट वाले प्रॉफिट पे हमको देना है बेनिफिट और डोमेस्टिक वाले पे नहीं। तो हम उसके बाद देखेंगे भाई तुम्हारा टोटल टर्नओवर कितना था, इस टोटल टर्नओवर पे तुमने एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना किया, इसी तरीके से निकलेगा सर। एग्जांपल सर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 10 करोड़ का प्रॉफिट था, हाँ सर, टोटल इन्होंने टर्नओवर कितना किया था सर? 100 करोड़ का टर्नओवर किया था। इसमें से कितना टर्नओवर यूएसए को दिया था सर? 70 करोड़ का। प्रॉफिट कितना गया सर? 7 करोड़ आया सर। इसका मतलब इस फॉर्मूले से ये सिर्फ ये निकाल रहे हैं सर, 7 करोड़ कैसे आया? लो भाई ये देखो 7 करोड़ आया। इस फॉर्मूले से सिर्फ ये निकाल रहे हैं कि एक्सपोर्ट करके आपको कितना प्रॉफिट होता है, आपको एक्सपोर्ट करके कितना प्रॉफिट होता है, एक्सपोर्ट किए तो डॉलर आया और एक्सपोर्ट करके जितना प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट पे हम आपको डिडक्शन देंगे 10AA की, शुरुआत के 5 सालों में 100% के, उसके बाद 50% ऑफ इनकम को हम टैक्स फ्री कर देंगे। क्लियर है सर? क्लियर है। क्वेश्चन भी पढ़ लें सर? पढ़ लेते हैं। आइए देखिए, टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए लोकेटेड इन सेज 100 लाख का है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ यूनिट ए 30 लाख का है और एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए 50 लाख का है। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी लोकेटेड इन डोमेस्टिक एरिया DTA 200 लाख का है, प्रॉफिट ऑफ यूनिट बी 20 लाख का है। कैलकुलेट डिडक्शन अंडर 10AA फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 अज्यूमिंग दैट वॉइल इंटरप्ट कमेंस ऑपरेशन इन सेज एंड DTA इन द ईयर 16 एंड 17। सर हमको क्या निकालना है? डिडक्शंस निकालने हैं सर। डिडक्शन तो उसी यूनिट का मिलेगा, यूनिट ए का ही मिलेगा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। तो सर जब हम डिडक्शन निकालेंगे तो हम सिर्फ यूनिट ए का निकालेंगे। तो अभी हमने पढ़ा सर यूनिट ए का प्रॉफिट कितना है, यूनिट ए का प्रॉफिट है सर 30 लाख रुपए, यूनिट ए का प्रॉफिट है सर 30 लाख रुपए, यूनिट ए का प्रॉफिट है सर 30 लाख रुपए। और यूनिट ए का सर टर्नओवर कितना है? सर टर्नओवर तो दिखाया है 100 लाख का है और इसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर सर 50 लाख का है, तो 50 लाख कर दी। इट मीन सर ये 15 लाख रुपए का जो आपके आ गया इस पे डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 10AA। DTA जो डोमेस्टिक जितने भी किए हैं मैंने आपको बताया उस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। अब चेक करना है हमें 31/3/20 किए हैं और इनको सेज में ये कब से आया? 16/17 से। तो 16 असेसमेंट ईयर 16/17 है, नहीं कमेंस किए अपने ऑपरेशन को 16/17 से। तो 16/17 के बाद अगर पहला साल 17/18 16/17 पहला, फिर 17/18 18/17/18 18/19 19/20 20/21 सर 20/21 आ गया। इट मीन्स इनको यहाँ डिडक्शन मिल गई है पूरे के पूरे 15 लाख रुपए की, 50% यहाँ पे नहीं होगा। चलिए आइए, 100% ऑफ प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ थिंग्स ऑफ सर्विस एलिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA अज्यूमिंग दैट फाइनेंशियल ईयर 1920 फॉल्स विद इन द फर्स्ट 5 पीरियड ऑफ कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल्स और थिंग्स। अच्छा हाँ, ये चीज़ तो मैं आपको नहीं बताया कि ये जो कंपनी है ना, ऐसा नहीं है ट्रेडर को ही चल जाता है सेज में, ये केवल मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्शन वालों के लिए होती है, याद रखिएगा।
मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन वालों के लिए होती है। इन्होंने बोल दिया कि अज्यूम कर रहे हैं कि 5 साल के अंदर अंदर की बात है, इसलिए हमें 100% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर, मिलेगा। फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाई यूनिट इन सेज, जो यूनिट सेज में थी केवल उसी को मिलेगा, ये भी बात इन्होंने क्लियर कर दी। एज पर सेक्शन 10(7) द प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल और थिंग्स, जो प्रॉफिट हमको एक्सपोर्ट करके मिला है उस आर्टिकल को या थिंग्स को और सर्विसेज को, शैल बी द अमाउंट विच बियर्स द प्रॉफिट टू द बिजनेस टू द अंडरटेकिंग बींग द यूनिट ऑफ द सेम प्रोपोर्शन एज द एक्सपोर्ट टर्न ओवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ द थिंग्स एंड सर्विसेज बियर्स द टोटल टर्न ओवर ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन अंडरटेकिंग। देखो ये जो इतनी बड़ी बात है, आप रट्टा लगा लो, कोई फायदा नहीं है। सीधा लिखना सर, हमें सिर्फ एक्सपोर्ट टर्नओवर को देना है, इसलिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को समझना है। हमारा एजेंडा क्या था, हमें एक्सपोर्ट टर्नओवर को फायदा देना है। तो टोटल प्रॉफिट, टोटल टर्नओवर पे हमको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, हम प्रोपोर्शनेट मेथड से यूज किए। और ये जो ऊपर ये लिखी है ना टेक्स्ट, ये इसी फॉर्मूले को लिखा है। तो अब आप पहले फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद उसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दीजिएगा हिंदी में, सॉरी टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दीजिएगा, कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे लिख दीजिएगा, क्यों किया ये आपको पता चल चुका है। 30 लाख × 50 / 100 इज इक्वल टू 15 लाख, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10(AA) इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस टू यूनिट बी लोकेटेड इन डीटीए। डीटीए यूनिट्स पे नहीं मिलता है, मैंने आपको बताया था सर, बताया तो था। अब आ गई मेरी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम करते हैं। अच्छा एक्सरसाइज प्रॉब्लम सर क्या इसकी ईजी है, देखते हैं। चलो एक्सरसाइज प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग इनकम आर चार्जेबल टू टैक्स एंड इफ सो कंप्यूट द इनकम लायबल टू टैक्स। अच्छा बस हमको इतना बताना है भाई साहब, आप कमाए हो तो आप टैक्स भरोगे कि नहीं भरोगे। अरविंद रिसीव किया 20,000 रुपए एज ए शेयर फ्रॉम द इनकम ऑफ एचयूएफ। अभी बताया सर, एचयूएफ और फर्म से शेयर मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, बिकॉज पहले से उस पर टैक्स लग चुका होता है, तो ये तो नॉट टैक्सेबल है। आप पढ़ लीजिए, नॉट टैक्सेबल बिकॉज शेयर डिराइव फ्रॉम द मेंबर आउट ऑफ इनकम आउट ऑफ एचयूएफ इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2). सर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हंसी मजाक में क्वेश्चन, हंसी मजाक में चैप्टर खत्म होगा पूरा। मिस्टर एक्स परम वीर चक्र अवार्ड, जय हिंद सर, ये जय हिंद सेक्शन आ गई। जय हिंद सेक्शन आई तो आपको याद होना चाहिए कि जो भी पैसा जय हिंद सेक्शन आई है परमवीर चक्र वाले को, तो पेंशन पे कभी भी टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि ये सम्मान के अधिकारी हैं, सम्मान इनको मिलना चाहिए जिनको परमवीर चक्र मिला है। हु हैज फॉर्मली इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव पेंशन ऑफ 2,20,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। सर जय हिंद सेक्शन है सर, बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, नॉट टैक्सेबल। पेंशन रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स अ फॉर्मर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज अ परमवीर चक्र अवार्डी इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(18). अगर सर सबसेक्शन आपको नहीं याद आती है तो अंडर सेक्शन 10 भी आप लिख के आएंगे, इतना चल जाएगा। बस गलती से गलत मत लिख दीजिएगा, अगर आपने सेक्शन 10 की जगह 10(18) की जगह 10(8) भी लिख दिया ना, पूरा आंसर काट दिया जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरा पूरा। अगर आपने सही लिखा है तो भी काट दिए, क्योंकि आपने गलत सेक्शन लिख दी, ठीक है। तो सेक्शन गलत मत लिखिएगा, नहीं लिखेंगे चलेगा, 0.5 नंबर कटेगा, आधे नंबर कटेंगे, लेकिन गलत लिख देंगे तो सही आंसर को भी काट दिया जाएगा, ठीक है सर। एग्रीकल्चर इनकम 1,27,000 अर्नड बाय अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन मलेशिया। सर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी, क्योंकि ये मलेशिया की बात कर रहा है। एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ भारत की, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की एग्रीकल्चर इनकम सर एग्जेम्प्ट होती है। किसी दूसरे देश में आप खेती कर रहे हो तो उस पर हम क्यों एग्जेम्प्शन दें भाई, ठीक सर। देखिए टैक्सेबल, टैक्सेबल हो गया। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड इन एनी फॉरेन कंट्री इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ रेसिडेंट टैक्स पेयर एज इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जेम्प्शन अंडर सेक्शन 10(1) इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। मतलब 1,27,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। सर आपको ना, मैं आपको बताऊं, आपको ये चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ मेरे साथ पढ़ के खत्म कर दोगे, आप बुक भी नहीं खोलोगे, मुझे पता है, क्योंकि चैप्टर है ही ऐसा, खुद से कभी नहीं पढ़ता कोई, और एक बार मैं पढ़ा दिया तो आपको लगेगा इस चैप्टर में पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं। रेंट ऑफ 27,000 रिसीव्ड फॉर लेटिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड फॉर अ मूवी शूटिंग। सर एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम आई है वो तो टैक्स फ्री नहीं होगी भाई, फिर से कॉशन का मामला आ गया। इन दोनों पे तो आप कॉशन ही लिख लो, कॉशन पॉइंट क्यों, एग्रीकल्चर लैंड से इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है सर, लेकिन वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है जो एग्रीकल्चर से आपने कमाई है। आप टेंट लगा के लोगों की शादियां करा रहे हो, ठीक है, आप मूवी की शूटिंग के लिए दे दे रहे हो, आप गड्ढे खोद के उसमें स्विमिंग पूल में ला रहे हो, स्विमिंग्स के पैसे कमा रहे हो, तो आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। वी आर गिविंग द एग्जेम्प्शन अंडर सेक्शन 10(1) बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रमोट एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए हम एग्रीकल्चर लैंड पे एग्जेम्प्शन दे रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं, और अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी ना करके किसी और एक्टिविटी से पैसे कमाए हैं तो टैक्सेबल होगा। यहां पे इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड पे कैसे पैसे कमाए, रेंट लेके,
रेंटिंग की, एग्रीकल्चर लैंड की रेंटिंग पे टैक्स नहीं लगेगा, रेंटिंग टैक्स फ्री नहीं है, रेंटिंग पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम पे एग्जेम्पशन है, ठीक है। तो 72,000 रुपए पे टैक्स लग जाएगा, टैक्सेबल 72,000। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन 10(1). एग्रीकल्चर इनकम मींस एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अगर ये लैंड जो है ना, आपने बहुत सी जगह देखा होगा जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती है, तो जमीन का कुछ हिस्सा किसानों को रेंट पे दे देते हैं, कई जगह अधियावर्ड चलता है, कई जगह कोई वर्ड चलता है, और जो कल्टीवेशन की इनकम आती है वो, क्योंकि वो किसान भी खेती करता होता है, तब अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आपने दी थी, पर्पस अगर आप एग्रीकल्चर था, तब तो आप रेंट से छुटकारा पा गए, तब तो टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तब तो एग्जेम्पशन आपको मिल गई बेटा। लेकिन इन प्रेजेंट केस, रेंट बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर मूवी शूटिंग, मूवी की शूटिंग करवा रहे हो आप उसके अंदर, एग्रीकल्चर का काम आप ना कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का काम अगर नहीं कर रहे तो इस इनकम को आप कभी भी एग्रीकल्चरल इनकम तो नहीं कह पाओगे सर। जो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं, उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है सर। हाँ सर, विच इज नॉट एन एग्रीकल्चर पर्पस, इन इफेक्ट द लैंड इज नॉट बीइंग पुट फॉर यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, देयरफॉर 72,000 बीइंग रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर मूवी शूटिंग इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 व्हेन द सेम इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि घर आपने नहीं दिया है। आप अगर घर किसी को रेंट पे देते तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। यहाँ पे कॉशन लिख लीजिए, आपने लैंड दिए इसलिए वो कहाँ जाएगा, IFOS में। एंड दूसरी आप लोग जो गलती करेंगे, यहाँ पे कॉशन मार लो, आप इस पे 30% डिडक्शन दे के सोच जाए लिखने का, बिल्कुल नहीं। आपसे उसने कैलकुलेशन मांगी नहीं, आपसे सीधे पूछा टैक्सेबल होगा या नॉट टैक्सेबल होगा, तो आपको क्यों इसको कैलकुलेट करना है, 30% डिडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे वो पूछा ही नहीं, आपसे टैक्सेबिलिटी और नॉन टैक्सेबिलिटी के बारे में पूछा है, तो आप सीधे टैक्सेबिलिटी या नॉन टैक्सेबिलिटी निकाल लेंगे। अगर आपकी स्पीड फास्ट लगती है तो स्लो कर लीजिए, आपके YouTube में फीचर होगा 0.75 पे भी आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, हाउ द इनकम कंप्यूटेड वेयर द इंडिविजुअल डिराइव्स एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगेन, जो मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया था, सिर्फ और सिर्फ पूरी थ्योरी वही है, एक एक लाइन जो मैंने आपको समझा दी है कि सबसे पहले हमने एंड पूरी थ्योरी भी आपको समझा दी है, और ये वाली भी थ्योरी जो है PGBP वाला पार्ट है, PGBP का क्वेश्चन नंबर 21 नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 21 क्लास नंबर 4 में आपको सब कुछ समझ में इसमें से आ जाएगा। मैंने वहाँ बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और ये सर वो कैलकुलेशन जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 मैंने पढ़ाया था, उसके बारे में कंप्लीट थ्योरी सर, सारे थ्योरी क्वेश्चन भी करवाए तो इसको भी करवा दो। इसको इसलिए नहीं करवा रहे ना, क्योंकि जो आप PGBP वाला जो इलस्ट्रेशन आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। आइए, वेदर द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर, हाँ सर, हमारे भारत देश में एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चरल इनकम तो सर एग्जेम्प्ट है। हाँ सर, ये तो एग्जेम्प्ट है, बट सर हमने देखा है बहुत जगह लिखा रहता है नर्सरी, और वहाँ पे ना छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स आते हैं, उसमें हमको पौधे दे देता है, ये छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स में होते हैं सर, उसमें पौधे दे देता है। बट ये जो पौधे उगते हैं ना सर, ये कहीं लैंड पे उगते ही नहीं है सर, लैंड पे बिल्कुल नहीं उगते हैं, पता है आपको? सॉरी, ये लैबोरेटरीज में उगते हैं, लैब्स में उगते हैं। ये कुछ कुछ तो हाइब्रिड प्लांट्स का नाम आपने सुना होगा सर, हाइब्रिड प्लांट्स सर, ये लैब में तैयार किए जाते हैं, और ये पॉली बैग में सर उगाए जाते हैं, ये तो कभी भी लैंड पे लगाए नहीं होते हैं। इनको पॉली बैग से सर हम लोग घर लेके जाते हैं तो अपने गमलों में लगा देते हैं, या तो फिर सर किसान अगर लेके जाता है तो अपने फार्म में लगा लेता है। बट सर ये जो पैदा होते हैं ना, इनकी जो सीडलिंग होती है, सैपलिंग होती है, तो सर लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे कभी होती नहीं है सर। सर इनकी सर सीडलिंग एंड सीडलिंग एग्रीकल्चरल लैंड पे होती ही नहीं है, तो भी क्या सर इसको एग्रीकल्चरल प्रोसेस बोलेंगे? हाँ सर, तब भी इस एक्टिविटी को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ही बोलते हैं, है? हाँ सर। और इफ वन टाइम इट बिकम एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, अगर ये एक बार एग्रीकल्चर एक्टिविटी बन गई तो इसको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगा और इसकी एग्जेम्प्ट इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आइए, ठीक है सर, एज पर सेक्शन 3 बिकॉज, अच्छा सर ये किया क्यों होगा, ये भी सोचो, ये किया क्यों, हर चीज के पीछे लॉजिक है ना सर, ये किया क्यों? जब आप लैब में प्लांट्स तैयार कर रहे हैं, ये लैब में तैयार कर रहे हैं, इट मीन्स हाइब्रिड क्वालिटी आप तैयार कर रहे हैं, इट मीन्स सर आप एक बेटर क्वालिटी तैयार कर रहे हैं, और भारत चाहता है ना कि उसका प्रोडक्शन बढ़े, बेटर क्वालिटी के सीड्स आप तैयार कर पाएं,
बेटर क्वालिटी के प्लांट्स रेडी हों, इसलिए इसको प्रमोट करना है, और प्रमोट करना है तो भाई साहब हम इस पे भी एग्जामिशन दे देंगे। सीधा साधा रीज़न यही था। देखिए आपको रीजनिंग इसलिए देता हूँ कि रीजनिंग के कारण आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती हैं, चीज़ें याद रह जाती हैं। अगेन, याद नहीं करनी पड़ती हैं, चीज़ें याद रह जाती हैं, इसलिए मैं रीजनिंग देता हूँ। और हमारा जो सीए फाइनल का जो क्वेश्चनियर का सेशन है वो इतना सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के कारण हुआ, इस क्वेश्चनियर के कारण हुआ। सेम आपको चीज़ें मिल रही हैं, आप भी प्रिपेयर करिए खुद को। एज पर एक्सप्लेनेशन 3 सेक्शन 2(1) द इफेक्ट ऑफ द इनकम डिराइव फ्रॉम द सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम एंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स वेदर और नॉट द बेसिक ऑपरेशन वर कैरिड आउट ऑफ लैंड। भले हम लैंड पे किए हैं बेसिक फंक्शन या नहीं किए हैं, सर आपने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, एग्जामिन विद रीजन ब्रीफ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। Exemption is available to a Sikkimi individual only in respect of income from any source in the state of Sikkim. False. Sir, क्यों? Sir, interest वाली बात हमने की थी, interest and dividend भी तो इसको exempt होता है, यही बात देखो false है इसके ऊपर। Sir, interest and dividend income पे भी तो सर इसको exemption मिलती है। चलो सर ये question आपने करा दिया है। Pension received by a recipient of gallantry award who was a former employee of a central government exempt from the income tax। सर अगेन ये क्वेश्चन का रिपीटेशन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। जय हिंद वाली सेक्शन थी सर। क्यों सर एग्जेम्पशन है, सर इसको भी एग्जेम्पशन अवेलेबल है। मिस्टर ए मेंबर ऑफ एचयूएफ रिसीव 10,000 एज हिज शेयर ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ एचयूएफ, द सेम इज टू बी इंक्लूडेड इन हिज चार्जेबल इनकम। इनकरेक्ट सर, फॉल्स बात। सर एचयूएफ से अगर पैसा मिलता है तो वो मेंबर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है सर, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये तो ट्रू था। ठीक है सर, देखिए ट्रू फॉल्स, ये तीनों क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हुए हैं इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं किया। आपका टाइम बचाना है और आपको सब चीजें सही सही पढ़ाना है। रुद्रा लिमिटेड हैज वन यूनिट इन सेज एंड अदर यूनिट इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। सर किस यूनिट पे, सेज में एक यूनिट है तो सर सेज में जो यूनिट है सिर्फ और सिर्फ उस पर 10AA का हमको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अदर यूनिट हमको सर परेशान करने के लिए दिया है। हाँ ठीक है सर। अब द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इन द प्रीवियस ईयर, रुद्रा लिमिटेड के बारे में दिया है, यूनिट इन DTA। ओके सर, मतलब यूनिट इन सेज के बारे में इसने डिटेल नहीं दी है, यूनिट इन सेज के बारे में सर इसने डिटेल्स नहीं दी है। देखिए इसने बोला क्या कि रुद्रा लिमिटेड की यहाँ पे आते हैं सर, इसने बोला रुद्रा लिमिटेड की दो यूनिट्स हैं, एक यूनिट ये है और एक यूनिट वो है जो सेज में है। ठीक है सर। अब बोलता है रुद्रा लिमिटेड का टर्नओवर 10 करोड़ का है, एग्जाम्पल ठीक है 10 करोड़ का टर्नओवर है, जिसमें से जो डोमेस्टिक एरिया में काम करती है उसका टर्नओवर 7 करोड़ है। हमको सर सेज का टर्नओवर नहीं बताया, क्या हम निकाल सकते हैं सेज का टर्नओवर? हाँ सर, बहुत इजी है। टोटल टर्नओवर 10 करोड़ था, जो टैक्स जो सेज में नहीं है उसका 7 करोड़ है, तो सेज में उसका सर 3 करोड़ ही तो होगा। कॉमन सेंस सर, अगर मेरे पास दो काम होते, एक हम काम डोमेस्टिक करते हैं और दूसरा सेज में जाके करते हैं, डोमेस्टिक प्लस सेज दोनों का टोटल अगर 10 करोड़ दिया है, डोमेस्टिक का 10 करोड़ दिया, डोमेस्टिक काम को दिया है 7, तो सेज वाला तो सर हम निकाल ही लेंगे, सेज वाला सर आ गया 3। यही चीज यहां करनी है, बस सिर्फ केवल इतनी ही सी चीज यहां भी करनी है आपको। यूनिट इन सेज कितनी होगी, द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इन द प्रीवियस ईयर DTAA। सर टोटल सेल्स इनकी 6 करोड़ की है और डोमेस्टिक सेल्स कितनी है सर, जो भारत में बेचे, जो भारतीय यूनिट को बेचे, 2 करोड़ की है। एक्सपोर्ट सेल इन्होंने 4,60,000 की है और जिसमें से एक्सपोर्ट थ्रू द DTA कितना किया है। अच्छा एक और कंफ्यूजन सर, केवल एक्सपोर्ट पे नहीं दे रहे हैं ये आपको बेनिफिट, एक्सपोर्ट पे बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। अगर आपने एक्सपोर्ट सेज यूनिट से किया है तो आपको बेनिफिट दे रहे हैं, अगर आपने डोमेस्टिक DTA में जो यूनिट आपकी सेटअप है उससे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ये भी याद रखिएगा। हाँ सर चलो, नेट प्रॉफिट रुद्रा का 80 लाख है और DTA का 20 लाख है, तो सेज का कितना होगा, क्या हम लोग फिगर्स को पहले पढ़ दें? सर चलिए, रुद्रा लिमिटेड ने, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं, रुद्रा लिमिटेड की सर टोटल सेल्स आई है, रुद्रा लिमिटेड की सर टोटल सेल्स आई है 6 करोड़, जिसमें से DTA की 2 करोड़ है, तो जो यूनिट सेज में थी उसकी सर 4 करोड़ सेल्स रही होगी। सर 4 करोड़ सेल्स, सर इतना तो सर हमें पता है, 3, 2, 5, 6, 7, 4 करोड़ सेल्स रही होगी। अगर रुद्रा लिमिटेड ने दोनों यूनिट्स का मिला के 4,60,000 का क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है,
और 1,60,00,000 का एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ डीटीए वाले से किया, तो सिज वाले से कितने का एक्सपोर्ट किया होगा सर? 4,60,00,000 - 1,60,00,000 = 3 करोड़ का सर डीटीए वाले यूनिट से किया होगा। अगर सर पूरे यूनिट का प्रॉफिट 80 है जिसमें से डीटीए वाले का प्रॉफिट सर 20 है, तो इसका प्रॉफिट सर 60,00,000 होगा। सर इतना तो सर हमने कैलकुलेट कर लिया, 60,00,000 होगा। और सर हमने 10AA में पढ़ा था कि टोटल प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट हम एक्सपोर्ट के थ्रू पाए हैं, उसी का हमको डिडक्शन मिलता है। बस ये कैलकुलेशन है। अभी देखिए बड़ा मजा आने वाला है। कैलकुलेट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर द इनकम टैक्स 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इफ बोथ द यूनिट्स वर सेट अप एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 22/5/2012। सर 22/5/2012 ये प्रीवियस ईयर कौन सा है प्लीज बताइए आप? सर 2012-13 प्रीवियस ईयर है। और हमारा कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है सर? सर हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है सर 2021, प्रीवियस ईयर 19-20 चल रहा है सर। ईयर्स जोड़िए सर, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सर 20-21 मतलब ये सर फोर्थ ईयर है अभी हमारा, फोर्थ ईयर में सर अभी हमें, इफ़ करेंटली अगर हमने 22 मई 2012 को धंधा स्टार्ट किया था तो हम फोर्थ ईयर में इस समय हैं, तो हमको सर क्या 100% एक्सपोर्ट के प्रॉफिट पर डिडक्शन मिलेगा? जी हाँ सर, एक्सपोर्ट का प्रॉफिट हमको 100% डिडक्शन मिलेगा। सर मेरी यूनिट का टोटल प्रॉफिट कितना है? सर मेरी यूनिट का टोटल प्रॉफिट है 60। सर मेरी यूनिट का टोटल प्रॉफिट है 60, ठीक है 60 इनटू एक्सपोर्ट का प्रॉफिट हमको केवल निकालना ना। सर टोटल टर्नओवर कितना है? सर टोटल टर्नओवर है 4। सर टोटल टर्नओवर है ये 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और सर एक्सपोर्ट का टर्नओवर कितना है? सर 3 करोड़। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सर इसका मतलब अगर हम 60,04,00,000 का टर्नओवर करके कमाए हैं, 60,00,000 रुपए, फिर से सुनिएगा, 60,00,000 रुपए 4 करोड़ का टर्नओवर करके कमाए हैं, तो 3 करोड़ का टर्नओवर क्या, 3 करोड़ के टर्नओवर हम कितना कमाए होंगे? 60,00,000 रुपए 4 करोड़ के टर्नओवर पे कमाए हैं, तो 3 करोड़ के टर्नओवर पे कितना कमाए होंगे? तो 60 × 3/4 दैट इज 45 लाख। इसका तो आपको डिडक्शन मिलेगा और इस पर 100% डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि फोर्थ ईयर है ये। मैंने आपको बताया था 5 साल तक 100% मिलता है। चलिए आइए सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं हम लोग। एज पर सेक्शन 10AA इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ रुद्रा लिमिटेड फॉर इट्स यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इज बीइंग द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ऑफ आर्टिकल एंड थिंग्स टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन आफ्टर 1/4/2006 बट बिफोर 1 अप्रैल 2021 शैल बी अलाउड टू डिडक्शन अंडर 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल एंड थिंग्स। सर इस तरीके से पढ़ने से आपको लग रहा है सर इस डेट से लेकर इस डेट तक के बीच के ही हमको मिलते हैं 5-20 तक ही हमको 100% डिडक्शन मिलता है, ऐसा नहीं है। 5 साल अगर वो उसके कुछ साल बाद स्टार्ट होता तो भी नेक्स्ट 5 साल तक मिलता है। तो इन्होंने ये डेट्स मेंशन करके पता है क्या बताया? बताया कि 5 साल के अंदर अंदर फॉल कर गया, 5 साल के अंदर अंदर फॉल कर गया। इट मींस 5 साल के अंदर अंदर फॉल कर गया, इट मींस टोटल एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे हमको 100% का छूट मिल जाएगा, 1 रुपये टैक्सेबल नहीं होगा। सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 consecutive असेसमेंट ईयर बिगनिंग द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस इन विच द यूनिट वॉज मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूसर। उसके बाद के बाद बोलिए कि उसके बाद के ईयर्स पे 50% का टैक्स लगता है, कोई नई बात नहीं बताई है। अब देखिए कंपटीशन ऑफ एलिजिबल डिडक्शन इन सेक्शन 10AA, सी वर्किंग नोट बिलो। सर वर्किंग नोट दिखा दो ना। सर देखो वर्किंग नोट क्या किया है, वर्किंग नोट दिया है टोटल सेल्स एक्सपोर्ट सेल एंड नेट प्रॉफिट। टोटल सेल्स कितनी की थी मेरी? 6 करोड़ की, जिसमें से डीटीए वाली यूनिट की 2 करोड़ थी, तो सेज वाली यूनिट की कितनी हो गई सर? 4 करोड़। ओके, एक्सपोर्ट सेल्स मेरी टोटल 4,60,00,000 थी, डीटीए वाली की 1,60,00,000 थी, तो सर सेज वाली यूनिट की कितनी हो गई होगी सर मेरी पूरी सेल? सर 3 करोड़। टोटल प्रॉफिट 80,00,000 का था, डीटीए वाले का 20,00,000 था, तो सेज वाले का 60,00,000 होगा, यही जो हमने यहाँ पे निकाला। अच्छा अगर आप देखें एक पेज दो डेढ़ पेज मतलब सवा 1.25 पेज, सवा पेज का आंसर हम केवल इतने दूरी में निकाल लिए हैं। सोचिए सवा पेज का आंसर सर हमने साइड में ही निकाल लिया, इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन अगर इस लेवल की हो गई कि हम ओरली सॉल्व कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली में पास नाउ। सेज वॉज सेटअप इन द एंड बिगन द मैन्युफैक्चरिंग 22/5/2015। अगर वो 22/5/2015 से काम करे तो असेसमेंट ईयर 2021 में इज द 8th असेसमेंट ईयर फ्रॉम 13/14 रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर 12/13। सर हम कुछ गलत किए हैं क्या? एक सेकेंड सर, मैं एक सेकेंड चेक करता हूँ। मैंने सॉरी सर, ये सच में 8th ईयर होगा। मैंने क्या गलती की थी, मैं 12, 13 ऐसे जब कैलकुलेट किया ना तो मैं इसको एक ही काउंट कर लिया अपने फिंगर पे, ये 8th होगा, इसलिए मैंने जस्ट हाफ 4th बोल दिया था गलती से। यहाँ पे ये 12 है तो 31 मार्च 2013 तक, 13 तक की बात आ गई, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये 20, हम तो सर 2020 में आ गए ना, 31 मार्च 2020 की बात चल रही है। असेसमेंट ईयर अगर 2021 है इसका मतलब सर 31 मार्च 2020 की बात चल रही है, तो ये 8th ईयर आ गया। यहाँ पे 50% ही डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? 50% ही डिडक्शन मिलेगा, मतलब 45 लाख का 50%। यहाँ पे जो हमने 45 लाख निकाला था, इसका 50% भी अगर आप कर दें तो 22.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। छोटी मोटी एरर कहीं से भी, क्लरिकल एरर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी ध्यान रखिएगा, आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा। इन विच सेज यूनिट बिगन मैनुफैक्चरिंग एन आर्टिकल ऑफ द थिंग विच शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन 50% ऑफ द प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड सच आर्टिकल एंड थिंग्स अज्यूमिंग दैट ऑल द कंडीशन सैटिस्फाइड इन 10A। तो 60 लाख का प्रॉफिट फ्रॉम सच यूनिट 60 लाख का था। एक्सपोर्ट टर्नओवर इन सच यूनिट और टोटल टर्नओवर सच यूनिट, एक्सपोर्ट 30 लाख एक्सपोर्ट किए थे, 400 लाख में से 300 लाख एक्सपोर्ट का था। हाँ, 400 लाख पे हमने 60 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अगर 400 लाख पे 60 लाख का प्रॉफिट कमाया तो 300 लाख पे कितना प्रॉफिट कमाया होगा सर? 300 लाख पे 45 लाख का प्रॉफिट कमाया और 45 लाख का 50% हमको डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब 10AA में डिडक्शन हमको कितने का मिला? 22.5 लाख रुपए का। अगेन यही चीज़ अगर 14/5/2016 में है तो ये 31 मार्च 2017, 2018, 2019, 2020 सर ये 4th ईयर में फॉल कर गया सर। 31 मार्च 2020 के लिए तो हम निकाल रहे हैं, ये 4th ईयर में फॉल कर गया। देन सर हमें 100% डिडक्शन मिलेगी, 4th असेसमेंट ईयर में फॉल कर गया, हमें 100% डिडक्शन मिलेगी, मतलब 45 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। ठीक है सर, दिस यूनिट सेटअप इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया इज नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट इन बोथ द सिचुएशंस। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम लिख के रखिए, क्योंकि आप कंफ्यूज कहां पे होते हैं बताएं। आप सोचते हैं इंपॉर्टेंट, आप सोचते हैं कि सर एक्सपोर्ट पे हमको बेनिफिट मिल रहा है 10AA का, जबकि ऐसा नहीं है। वर्ड मेरे सुनिएगा, सेज यूनिट ने जो एक्सपोर्ट किया है ना उस पे मिल रहा है। तो अगर DTA यूनिट एक्सपोर्ट कर रही है तो उस पे नहीं मिल रहा है, जो सेज यूनिट ने एक्सपोर्ट किया उस पे मिल रहा है। अगर जब से हम ऑपरेट हो रहे हैं उसके 5 साल तक 100%, उसके बाद 50%। ओके ओके सर, तो हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडी।